तो जी नाजरीन, आज जो हम आपके लिए घर लेके आए हैं, ऐसे का घर, ऐसे की खूबसूरती और ऐसे का म्यार आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। आप घर का देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर रखा गया है और सेम जो डिज़ाइन हमारे सीलिंग्स में है वही हमने फ्लोर के ऊपर रखे हुए हैं। आपने बहुत दफ़ा ये सुना होगा कि सितारे ज़मीन पे, मूवी भी देखी होगी। तो व्यूवर्स, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सीलिंग डिज़ाइन ज़मीन पे, ये आप देखें सेम जो सीलिंग में डिज़ाइन है, ये फर्स्ट टाइम किसी इन्वेस्टर का, माशाल्लाह इनका बड़ा दिमाग इन्होंने इस बार लगाया। सेम जो डिज़ाइन है तीन चूड़ियों वाला, वो आपको फ्लोर के ऊपर मिल रहा है। और उसके बाद इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी रीजनेबल डिमांड का ये घर है। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में इतना अच्छा घर बना के इतना रीजनेबल डिमांड पे ये घर क्यों है। तो व्यूवर्स, ये बड़ा ही प्यारा घर है। आज इस घर का आपको मुकम्मल रिव्यू करवाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको इसका रिव्यू करने का। इस घर की मुकम्मल डिटेल, स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस ऑल टू ऑल इस वीडियो में बताई जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। औज़ुबिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज मैं कम बजट वालों के लिए पांच मरले का सिंगल स्टोरी बड़ा ही खूबसूरत घर लेके आया हूँ। व्यूवर्स, ये बहुत ही प्यारा घर है, सोसाइटी का सबसे खूबसूरत घर है। इंशाल्लाह आप जब घर की खूबसूरती देखेंगे, घर की क्वालिटी देखेंगे, घर का मेयार देखेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा, इंशाल्लाह वीडियो देखने का भी मज़ा आएगा और इंशाल्लाह जब आप पर्सनली तौर पे इस घर का विज़िट करने के लिए आएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो व्यूवर्स, ये पांच मरले का सिंगल स्टोरी घर है, दो बेडरूम, वन लाउंज, वन ड्राइंग रूम और बड़ी गाड़ी का गैराज, GLI XLI के गैराज के साथ ये घर है। इस घर की आज मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो रोड है काफ़ी वाइड है, बेहतरीन है, स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर है। तो व्यूवर्स, आपको मैं लेफ्ट साइड से भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से भी इसका रोड और घर के बाहर लोगों ने ग्रीनरी की हुई है। ये हमजा टाउन फेस टू में है। मैं आपको ड्रोन व्यू दे रहा हूँ इसका सोसाइटी का ऊपर से। आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहायशें मौजूद हैं, तकरीबन 3500 से 4000 फैमिलीज इस सोसाइटी में रह रही हैं। हमजा टाउन फेस टू में ये घर मौजूद है और व्यूवर्स आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। डोर आप देखें बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन इसका खूबसूरत डोर ब्लैक कलर में, और बाहर आपको जो है वो वेदर शीट मिल रही है, वेदर शीट का काम किया गया है। यहाँ पे आप विंडोज़ देखें बड़ी खूबसूरत है, निशेस बनी हुई हैं, स्पेनिश लुक में इस घर को डिज़ाइन किया गया है। आपको घर के अंदर लेके चलते हैं व्यूवर्स। जैसे ही आपको घर के अंदर लेके आते हैं तो ये गैराज एरिया आप देख सकते हैं, गैराज में आपकी बड़ी गाड़ी ईजिली खड़ी हो सकती है। और सामने आपको मेन लाउंज एरिया का डोर मिलता है, डबल डोर और बड़ा ही प्यारा डोर लगाया गया, CNC का काम भी इस डोर के अंदर किया गया है। और व्यूवर्स, इसके बाद यहाँ पे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है, आप ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, मिरर का काम और इसके अंदर जो वॉलपेपर लगाया है ये पर्सनली तौर पे मुझे बड़ा ही प्यारा लगा है। इसकी जो थीम है पूरे घर को, जो घर के अंदर पूरे घर के अंदर थीम रखी गई, सारी थीम इस वॉलपेपर का निचोड़ है, ठीक है। सारे वॉलपेपर के अंदर जो कलर है ये आपके घर के अंदर सेम कलर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो व्यूवर्स, ये डबल यूनिट हाउस है सिंगल स्टोरी, लेकिन कल को अगर आप ऊपर से बनाते हैं तो आपकी स्टेयर्स बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, आप एक पोर्शन को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं कल को ऊपर का पोर्शन बना के। ये सिंगल स्टोरी घर है और देखिए स्टेयर्स के नीचे वार्डरोब दे दी गई है, आपका छोटा छोटा सा सामान जो भी होगा इसके अंदर आ जाएगा। व्यूवर्स, वार्डरोब के अंदर भी टाइल लगाई हुई है प्रॉपर, और इसी तरह से मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे पोर्टरूम की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। बेसन बड़ा खूबसूरत लगाया गया है, इसके जो कंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, काम बड़ा अच्छा करते हैं, इनके DHA में भी घर तैयार होते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो जो डोर्स यूज़ किए हैं व्यूअर्स, आप देखें कि बड़े प्यारे खूबसूरत डोर्स हैं तो इस घर के अंदर यूज़ किए हुए, मज़ा आ गया है डोर्स देख के, कंस्ट्रक्शन देख के। अभी ये सिर्फ गैराज का रिव्यू है और देखें कितना प्यारा गैराज, औसम किस्म का इसका गैराज है। इसी तरह से अगर मैं आपको लेकर चलूं ड्राइंग रूम से अंदर या लाउंज से अंदर, किधर से जाना है आप बताएं। चलें जी लाउंज से चलते हैं। ये व्यूवर्स इसका लाउंज का मेन डबल डोर। व्यूवर्स चलते हैं हम अंदर और अंदर की जानिब से आपको अंदर से रिव्यू करवाते हैं। सेमी सॉलिडन के डोर्स हैं, जैसे ही हम आपको लाउंज के अंदर लेके आते हैं तो इधर सबसे पहले विंडो, मैं आपको थोड़ा सा एरियल व्यू देता हूँ। ये किचन है, दो बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और जी ये आपका लाउंज एरिया। व्यूवर्स आप देख रहे होंगे कि लाउंज एरिया बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है और बड़ा एंटीक काम किया गया है।
आपको कोई इस घर के अंदर ओवर काम नहीं मिलेगा, बड़ा अट्रैक्टिव काम किया हुआ है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं मिरर का काम है और पूरे घर के अंदर शीशे का काम, एंटीक काम, बड़ा प्यारा काम किया गया। तो माशाल्लाह यहाँ पे क्लॉक भी आपको इंस्टॉल मिल रहा है, इसी तरह से यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद गोल्ड कलर में लिखा हुआ आपको मिल रहा है। सीलिंग डिजाइन की आप बात करते हैं, मेन इस घर की सीलिंग्स, इसके डोर्स, इसकी कंस्ट्रक्शन, आप सीलिंग में डिजाइन देखें, सेम डिजाइन आपको फ्लोर के ऊपर मिल रहा है। व्यूअर्स कोई एक इंच का भी आगे पीछे नहीं है। यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीलिंग का डिजाइन है, सेम डिजाइन आपको ऊपर मिलते हैं। ठीक है, ये थी लाउंज की बात। और इधर आपको इसमें फाइबर भी मिलता है, मिरर आपकी सीलिंग में लगाया गया है। इसके बाद हम आपको चलते हैं लेके ड्राइंग रूम की तरफ। इसका लाउंज और ड्राइंग रूम इकट्ठे हैं, आप चाहे तो कर्टन वगैरह लगा के सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ही हम लाउंज एरिया की तरफ चलते हैं जी, यहाँ पे मिलती हैं आपको तीन चूड़ियाँ। व्यूअर्स तीन चूड़ियों से आपको याद आ रहा होगा चार चूड़ियाँ, ये चार चूड़ियाँ हमने इसीलिए नहीं डाली कि आप ये ना कह दें कि ऑडी वालों की कॉपी कर दी। हमारे डिज़ाइन हमारे अपने होते हैं, हम किसी की कॉपी नहीं करते। तो व्यूअर्स ये सेम चूड़ियों का डिजाइन है आपका ऊपर सीलिंग में, ये चेक करें, कोई फर्क नहीं है, सेम डिजाइन आपका ग्राउंड पे आके, ये सेम डिजाइन। यहां पे मैं सेंटर में खड़ा होता हूं, ये जी ये तीसरी जो सेंटर वाली चूड़ी, इसके सेंटर में खड़े होके मैं ऊपर कैमरा मारू, ये देखें सेम डिजाइन। और जी यहां पे आप देखें जी बड़ी प्यारी इंटीरियर डिजाइनिंग, बड़ा प्यारा यहां पे काम। व्यूअर्स आपको पता है कि जो काम इन्वेस्टर अच्छा करता है हम हमेशा उसी के साथ काम करते हैं, जो इन्वेस्टर अच्छा काम नहीं करता हम उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करते, हमारा उस बंदे के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। तो क्योंकि हमने एक एतमाद की बेस के ऊपर आपको घर देना है, अगर हम आपको लोकल किस्म का घर देंगे कल को आप का जो एतमाद है वो उठ जाएगा हमारे ऊपर से। अच्छा जी, ड्राइंग रूम को सेपरेट डोर भी मिला हुआ है, आपके गेस्ट सेपरेटली एक प्राइवेसी के साथ साइड से आ सकते हैं। सेफ्टी ग्रिल्स व्यूअर्स लगी हुई हैं। और इसी तरह से इस वॉलपेपर की मैंने बात की थी, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वॉलपेपर के अंदर आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, ये जो गोल्ड कलर है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये गोल्ड कलर आपके ड्राइंग रूम में जितना एंटीक काम हुआ है, ये सारा एंटीक काम जितना इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर है, इसके अंदर ये ब्लैक कलर आपकी सीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका व्हाइट कलर आ जाता है, ऑफ व्हाइट कलर, आपका ऑफ व्हाइट कलर आपके ये पेंट का कलर है। फिर उसके बाद ग्रे कलर है, ये आपको अंदर मिलता है, ये आपकी टाइल में भी मिलता है आपको और अंदर भी मिलता है। प्योर व्हाइट कलर जो है वो आपके टाइल पर मिलता है। तो व्यूअर्स ये माशाल्लाह हर चीज़ को सोच समझ के, ऐसे फजूल में नहीं कि लगा दिया बस ठीक है, बेचने वाला तो वो हर बंदा चीज़ बना के बेच रहा है, लेकिन देखें मेयार जो है वो बहुत कम लोग दे रहे हैं। अब आपको बेडरूम्स की जानिब लेके चलते हैं। क्या कहा, बेडरूम में नहीं जाना, किचन में जाना है, चलेंगे कोई बात नहीं, किचन में चलते हैं। मेरी बहनों की आवाज़ आई है किचन में पहले, मुदसिर भाई आज एक्साइटेड होके आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आपका किचन है, ये जी व्यूअर्स किचन चेक करें आप, ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है। अक्सर आपको किचन में ना अंधेरा मिलता है, ठीक है, इस किचन में आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, लाइट ऑफ थी पहले, मैं अभी ऑन की है, लाइट चेक करें। अच्छा व्यूअर्स बाद में ये कर रहा हूँ, अक्सर ना बहनें रिक्वेस्ट करती हैं कि देखें एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कहाँ से लाइट ऑफ होगी, यहाँ से होगी, ये होगी। आप देखें, आप इस किचन की देखें रोशनी, जैसे चिराग के नीचे अंधेरा होता है ना, इस तरह वार्डरोब्स के नीचे भी अंधेरा होता है, तो आपको काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, आइज की जो है ना वो अटेंशन ज़्यादा होती है काम करने में। अगर हम इसके नीचे लाइट दे देंगे, ले अब बताएं आप काम करने में कैसा आपको फील होगा, काम करने में मज़ा भी आएगा, हर चीज़ आपको नुमाया नज़र आ रही होगी। प्रॉपर वार्डरोब्स के नीचे लाइट्स दी गई हैं, ये चेक करें आप, और यहाँ पे आपको चूल्हे मिल जाते हैं, हुड मिल जाते हैं इंस्टॉल्ड, प्रॉपर वार्डरोब्स बड़ी अच्छी हैं, कलर अट्रैक्टिव है, कोई डार्क सी थीम नहीं है, लाइट थीम है। और 4 फुट इसकी स्पेस है खड़े होने के लिए, 2 टाइलें, 2 फुट की एक टाइल है, 2 टाइलें लगी तो कितनी स्पेस होगी, 4 फिट की, 4 फिट की स्पेस है इधर विंडो वेंटिलेशन के लिए। और इसका जो एग्जॉस्ट का प्रॉपर हुड का प्रॉपर एग्जॉस्ट आपका बाय तक जा रहा है। तो व्यूअर्स बहुत प्यारा काम है। इसी तरह से
आपको मैं फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ, इधर से चलते हैं इस बेडरूम में। तो ये देखें जी व्यूअर्स, सबसे पहले बेडरूम का वॉलपेपर देखें, खूबसूरत वॉलपेपर है, सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत है। और इसी तरह से व्यूअर्स इसके अंदर आपको जो वार्डरोब्स मिल रही है ये स्लाइडिंग में मिल रही है जी व्यूअर्स। इसकी अभी सफाई होने वाली है, डस्टी हुई हैं। और अली भाई ये आपके काम जो है ना बड़े गलत है, इसकी सफाई तो करवा के रखते हैं यार। अब इसकी भी ना वो क्लाइंट्स ने कंप्लेन करना शुरू कर देनी है जी, वार्डरोब्स क्यों गंदी हैं आप। तो भाई इंशाल्लाह आपको जब देंगे हम साफ करके देंगे, आपने परेशान नहीं होना। प्रॉपर पियानो डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन सिर्फ इसी ओनर का है, बाकी आगे सारी कॉपीज हैं। पियानो डिज़ाइन जैसे होता है ना टंडन इस तरह से। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक में, इंशाल्लाह आप के लिए जो है ना, हम वर्किंग बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई नहीं मिलता। क्रेडिट से मुराद ये है कि कोई तारीफ कोई नहीं करता जी। ये वैनिटी टाइल्स और ये जी सीट की ऑप्शन। व्यूअर्स क्रेडिट से मुराद ये कि तारीफ तो कर दिया करें कम से कम, आपसे हम कोई चीज़ का मुतालबा नहीं करते। आपके लिए हम वर्किंग करते हैं, हॉनेस्ट वर्किंग करते हैं, आपको हर चीज़ के कंपैरिजन के मुताबिक बताते हैं। तो बाकी जो लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं, वो सिर्फ कहते यही हैं कि हमने सिर्फ घर लेना है तो मुदस्सिर के थ्रू लेना, नहीं तो घर नहीं लेना। इधर भी आपका पियानो डिज़ाइन, ये मीडिया वॉल है आपकी, और इसी तरह से ये व्यूअर्स आपका वॉलपेपर यहाँ पे। इधर भी वार्डरोब जो आ जाती हैं स्लाइडिंग में, ये आपको दिखा भी देते हैं, स्लाइडिंग में वार्डरोब्स हैं। स्लाइडिंग में वार्डरोब्स का बेनिफिट ये है कि आपका जब बेड आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके डोर्स ओपन करने में। बैक साइड पे वेंटिलेशन एरिया है, सामने गीजर का पॉइंट है, और ये जी आपका मोटर। इसी तरह से ये व्यूअर्स मिरर दूसरे बेडरूम में भी था, इधर भी था, प्रॉपर एसी की वायरिंग है और सीलिंग इसकी खूबसूरत है। वॉशरूम के डोर्स तक देखें कितने खूबसूरत हैं। इधर भी आपको वैनिटी मिल रही है, टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट, और इसी तरह से व्यूअर्स आपको प्रॉपर कमोड की ऑप्शन, बहुत एंटीक काम। व्यूअर्स इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 82 लाख है, 82 लाख रुपए में आपको ये घर मिल सकता है। 82 लाख 82 लाख में आपको ये घर मिल सकता है व्यूअर्स। ये हमजा टाउन फेस 2 में घर मौजूद है, रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर है, और ऑल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, सिर्फ गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और रजिस्ट्री इंतकाल आपको पता है प्रॉपर्टी वैसे बेहतरीन होती है, आप पटवारखाने से जाके वो प्रॉपर घर खरीदने से पहले हम आपको फर्द देंगे, रजिस्ट्री देंगे, आप उसकी वेरिफिकेशन करवाइएगा, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप इस घर को बाय कीजिएगा। तो सब अच्छी फैमिलीज इस टाउन में रहती हैं। छत देखें आप, बड़ी छत है इसकी, ये देखें काफ़ी बड़ी छत है, 25-45 प्लॉट डायमेंशन है। यहाँ पे हमने जो लेंटर डाले हैं ना वॉशरूम्स के, ये नीचे रख के डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं कल को आप अपने घर को डबल स्टोरी करते हैं तो आपको जो सर्विसेज हैं इसकी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो वॉशरूम बनेगा प्रॉपर बेडरूम के लेवल पे बनेगा, सर्विसेज सारी नीचे आ जाएंगी। ये समझ लें कि टेक्निकल पॉइंट्स के मुताबिक है, ये ऊपर मास्टर का टैंक है। तो व्यूअर्स 82 लाख इस घर की डिमांड है, 82 लाख में ये घर आपको मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।